तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो टाटा पंच है वह इकोनॉमी मोड में कितना माइलेज देती है। देखिए, अभी मैंने जो ये ट्रिप है वो जीरो की हुई है, ट्रिप बी है, मैंने जीरो किया हुआ है, और मैं आपको ट्रिप ए भी दिखाता हूँ, वो भी मैंने जीरो की हुई है। ये देखिए, ये मैंने जीरो किया हुआ है और इसको भी मैंने जीरो किया हुआ है। तो गाड़ी को पहले मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। ये गाड़ी मैंने स्टार्ट कर ली और इसका मोड भी मैं चेंज कर लेता हूँ। इकोनॉमी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। तो इकोनॉमी मोड में आ गई है। मैं गाड़ी चलाता हूँ 30-40 किलोमीटर और आपको दिखाता हूँ कि कितना इसमें हमको माइलेज मिलता है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, बरसात हो रही है और हम पहाड़ों की सड़कों पर चल रहे हैं, क्योंकि इकोनॉमी मोड में गाड़ी चल रही है और कितना इसमें MID में हमको माइलेज शो करता है वो भी हम चेक करेंगे। देखिए, घना जंगल है यहाँ पे आगे से और रोड बहुत छोटी है। सामने से यदि कोई गाड़ी आती है तो पास देने के लिए भी जगह नहीं मिलती। देखिए, मोटरसाइकिल आ रही है। पूरी ऑफ रोड ही है, पहाड़ों में मैक्सिमम रोड्स ऑफ रोड ही रहती हैं और जगह बहुत कम मिलती है, पोर्ट होल्स ज़्यादा रहते हैं। बारिश हो रही है। अभी देखिए, सामने से गाड़ी आ रही है। मौसम बहुत सुहावना भैया आज। बार बार गियर डाउन करना पड़ता है, सेकंड थर्ड, क्योंकि आपने गाड़ी को पास देना है तो रुकना पड़ता ही है, और यहाँ पे रोड ख़राब है तो फिर रुकना ही पड़ेगा, गियर डाउन डालना ही पड़ेगा। तो इकोनॉमी मोड में अगर ये थोड़ा बहुत भी अगर माइलेज बार तक भी अगर हमें दे दे ऐसी रोड्स पे तो काफ़ी बढ़िया रहेगा हमारे लिए। लास्ट टाइम सिटी मोड में भी बार का माइलेज हमने निकाल लिया था इसमें, लेकिन उस समय बारिश नहीं हो रही थी और रोड्स की कंडीशन भी अच्छी थी। तो अभी बारिश की वजह से थोड़ा रोड भी ख़राब हो रही है, तो जगह जगह पे हमें रुक के चलना पड़ रहा है। बारिश में एक्चुअली गियर शिफ्टिंग ज़्यादा हो जाती है गाड़ी की, तो माइलेज ऑटोमेटिकली डाउन हो जाता है, लेकिन फिर भी हम ट्राई करते देखिए कि बारिश में इकोनॉमी मोड में ये पंच कितनी पॉकेट फ्रेंडली है। यहाँ तक अपहिल था और यहाँ से अब थोड़ा सा डाउन हिल है। आनंद लीजिए इन खूबसूरत वादियों का। जनवरी का महीना है, आज 10 तारीख है और झमाझम बारिश पड़ रही है पहाड़ों में। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में तो बर्फबारी भी हो चुकी है। इसके अलावा हमारे घर के नज़दीक के पहाड़ों में बर्फ़ पड़ चुकी है, सिर्फ शहर पे पड़ना बाकी है, क्योंकि काफ़ी तेज़ी से आ गया आगे से। तो ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी ले रही है गाड़ी, ब्रेकिंग भी बढ़िया ले रही है, पानी की वजह से कोई ऐसा इशू आ नहीं रहा, वाइपर्स अच्छे काम कर रहे हैं गाड़ी के। ज़्यादा मैं इसको चलाने वाला नहीं हूँ, अभी बरसात की वजह से थोड़ा सा मेरे को 20-25 किलोमीटर का टूर है मेरा, तो 20-25 किलोमीटर में इकोनॉमी मोड में इसको चला के देखता हूँ आज की इकोनॉमी मोड में कितना ये माइलेज निकाल के देती है गाड़ी।
आप बने रहिए वीडियो में, एंजॉय कीजिए इन प्राकृतिक दृश्यों को इस प्यारे से बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ। फ्रेंड्स पूरा कीचड़ ही कीचड़ है और ऊपर से भी देखिए मलबा आ रहा है, आप देख पा रहे होंगे। इसके आगे वाला मोड़ और भी खतरनाक है, वहाँ पे तो गाड़ी फंसती भी है। आई होप कि ज़्यादा कीचड़ ना हो वहाँ पे। देखिए वो अल्टो फंसी हुई है, मैं बात ही कर रहा था और एग्जांपल दे रहा था मैं आपको, और सामने दिख भी गया अल्टो फंसी हुई है। देखो फिर फंस गया वो अल्टो वाला, निकल गई। तो जब मेरे पास अल्टो थी तो मैं भी ऐसे ही फंसता था यहाँ पे, इसलिए मैंने कहा था कि यहाँ पे और भी खतरनाक है और गाड़ियाँ यहाँ पे फंसती हैं। तो हम भी चलते हैं, हमको तो ऐसी कोई परेशानी इसमें आएगी नहीं क्योंकि हम सफ़र कर रहे हैं पंच में, और पंच का ग्राउंड क्लियरेंस इतना ज़्यादा है कि ये कहीं पे आपको महसूस नहीं होने देता है कि आप फंसने वाले हैं। देखिए अभी तो हम डाउन हिल्स पे जा रहे हैं, अगर अप हिल में भी होते तो हमें कोई परेशानी नहीं होती, इजीली हम निकल गए। तो ये देखिए कितना तेज आ रहे हैं भाई साहब आगे से। यहाँ पे हमेशा ही ख़राब रहता है, इसके ऊपर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में जब रोड कटी है तब से यहाँ पे मलबा लगातार गिरते रहता है और यहाँ पे ख़राब ही रहता है अधिकतर। यहाँ पे छोटा सा पुल है, ये जो नदी है जो हमारी पूर्वी रामगंगा बहती है उसकी एक सहायक नदी है, नाला कह सकते हैं, नदी तो नहीं कहेंगे।
यहाँ से रेता निकालने वाले खूब रेता निकालते हैं। तो फ्रेंड्स जगह जगह पे रोड बड़ी खराब हो रही है, देखिए तो माइलेज तो ऐसे ही कम हो जाता है हमारा। जगह जगह गियर शिफ्ट करना है, ब्रेक मारना है, गियर डाउन करना है, मजबूरी है भैया, क्या करें। ये देखिए इतनी खराब रोड हो रही है, और ये रोड ऐसी नहीं, मीन्स पूरी की पूरी रोड ही ऐसी है। जहाँ भी आप देखेंगे बस आपको पोटोल्स इसमें मिलेंगे, पानी भरा हुआ है सब जगह, और फिर से हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है। बीच में भी बंद थी तो फिर शुरू हो गई हल्की हल्की सी बारिश। बुलेरो मैक्स, मैक्स गाड़ियाँ बहुत चलती हैं यहाँ पे। तो कंपनी ने मैक्स बनाना बंद कर दिया है महिंद्रा ने, तो अब बोलेरो दिख रही है, लेकिन पहले से टैक्सी में मैक्स गाड़ियाँ बहुत चलती थी, और बोलेरो में स्पेस थोड़ा कम होता है मैक्स की तुलना में। मैक्स में बहुत सफिशियंट स्पेस मिल जाता है। अल्टो वाले को आगे जाना है, मैंने कहा भैया जा। आगे जा, देखिए फ्रेंड्स गड्ढे ही गड्ढे हैं, और वो पैसेंजरों को उछालते हुए ले आ रहा है अल्टो वाला। लग रहा है कि मैं धीरे चल रहा हूँ, तो पैसेंजरों को बिल्कुल उछालते हुए आ रहा है। यहाँ से थोड़ा रोड सही है अभी, ये सामने से जेसीबी आ रहा है, कहीं रोड बंद हुई होगी तो उसको खोल के आ रहा है। ये देखिए पानी का फव्वारा, ये जेसीबी कहीं भी डाल देते हैं भैया ये लोग। फ्रेंड्स आज तो बरसात की वजह से रोड काफ़ी ख़राब हो रही है, और जगह जगह पे कीचड़ ही कीचड़ जमा हुआ है। देखते हैं, अब हमारी डेस्टिनेशन भी आने वाली है, जहाँ मेरा काम था मैं वहाँ पहुँचने वाला हूँ, तो कितना माइलेज निकल के आता है। पूरी गाड़ी मैंने इकोनॉमी मोड में ड्राइव की है, देखते हैं कितना माइलेज निकल के आता है। आप बने रहिए वीडियो में, मैं जब पहुंचता हूं तो उससे पहले मैं आपको बताता हूं वहां पे। इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं देखिए, और मैं आपको दिखाता हूँ अभी MIDs की कि क्या एवरेज इकोनॉमी मोड में आया है, और मैं पहुँचने वाला हूँ जहाँ पे मुझे जाना था। तो अब मैं आपको मोबाइल फ़ोन के ज़रिए इसकी MID दिखाता हूँ, फिर बात करता हूँ उससे।
फ्रेंड्स लगभग 20 किलोमीटर में चल चुका हूँ, 20.7 आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इकोनॉमी मोड में मैं चला, इसमें मेरे को जो इसका माइलेज दिखा रहा है वो 13.1 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दिखा रहा है, तो आप इसको कुछ कम कर लीजिए 12 और 11, लगभग वही 11 बार का ही मुझे इसमें माइलेज मिला है। तो यही चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि पहाड़ों में ऐसी सड़कों पर माइलेज निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। और टोटली मैंने आपको दिखाया ऑफ रोडिंग थी, अब देखिए जहाँ पे मैं खड़ा हूँ यहाँ से आगे भी देखिए पूरा ही ऑफ रोड है ये, तो ऐसी जगहों पर माइलेज निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आई होप कि आपको इससे कुछ जानकारी मिली होगी कि पंच इकोनॉमी मोड में हिल्स में कितना माइलेज निकाल के दे रही है। तो और अगर यदि ये बात करते हैं हम हाईवेज वगैरह की, तो हाईवे में आपको और अच्छा माइलेज इससे मिल जाएगा, सिटी में भी इससे अच्छा माइलेज मिलेगा, लेकिन हिल्स पे इससे अच्छा माइलेज मिलना बहुत मुश्किल होता है। और रेनी सीजन है, बारिश भी हो रही है, तो जगह जगह पर गड्ढे पड़े हैं, पानी भरा हुआ है, तो इसकी वजह से भी दिक्कत हो रही है। तो आई होप कि आप समझ पाए होंगे कि कितना हमको यहाँ पर माइलेज मिल रहा है। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूँ बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।